लॉ ऑफ टॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट से डील करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स में बेसिकली हमें तीन प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो ये तीनों प्रिंसिपल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इन तीनों प्रिंसिपल को हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने लॉ ऑफ टॉट के अब तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जैसे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ओबी जस एबी रेमेडियम, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। हमने अभी जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉट्स को कवर किया है और अब हम बात कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। लॉ ऑफ टॉट्स में बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी किसी पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है बिकॉज ऑफ एक्ट और ओमिजन ऑफ अनदर पर्सन, तो जिस पर्सन के एक्ट या ओमिजन के वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, वो पर्सन उस प्लेंटिफ को क्या करता है, कॉम्पनसेशन ग्रांट करता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली इसके ऑपोजिट है। और प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या कहता है, व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन अराइजेज बिकॉज ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ अनदर पर्सन, एंड दैट थर्ड पर्सन इज लाइबल फॉर कॉम्पनसेशन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। यानी कोई और पर्सन लाइबल हो रहा है, कॉम्पनसेशन इज बीइंग गिवन बाय अनदर पर्सन, वेयर एज एक्ट और ओमिशन इज बीइंग डन बाय अनदर पर्सन। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी तीन रिलेशनशिप को होल्ड करता है और इन्हीं तीन रिलेशनशिप में वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, दूसरा मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, और तीसरा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इसके दो एसेंशियल्स हैं। पहला, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है वो इन तीनों में से किसी एक में फॉल कर सकता है। देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप मे बी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मास्टर एंड सर्वेंट,
और तीसरा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और वो जो एक्ट हुआ है जिसके वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है वो विद इन द एम्बिट ऑफ दैट रिलेशनशिप हुआ है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो यहां पे अराइज होगा प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। यानी एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एक्ट करता है जिसके वजह से दूसरे पर्सन को किसी तरह से हार्म होता है, इंजरी होता है, लॉस होता है, तो लाइबल कौन होगा? एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज दिस एम्प्लॉय इज अंडर द अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन। सेम इसी मैनर में मास्टर विल बी हेल्ड लाइबल फॉर ऑल दोज रॉन्ग्स डन बाय सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यही कॉन्सेप्ट लागू होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप में। तो व्हाट आर द टू एसेंशियल्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी? कहता है देयर मस्ट बी अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। दूसरा, रॉन्गफुल एक्ट शुड बी इन अ सर्टेन वे कनेक्टेड विथ दैट रिलेशनशिप। ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये जिस मैक्सिम पर बेस्ड है वो मैक्सिम है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, विच मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। यानी एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के अथॉरिटी के अंदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन कोई एक्ट करता है तो लाइबल कौन होगा? वो पर्सन होगा जिसके अथॉरिटी के अंदर, जिसके डायरेक्शन के अंदर वो पर्सन एक्ट कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए, इफ एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी नेग्लिजेंटली कॉजेज एन एक्सीडेंट व्हाइल ड्राइविंग अ कंपनीज व्हीकल द कंपनी मे बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी रिजल्टिंग डैमेजेस। तो एक पर्सन जो कंपनी के व्हीकल को चला रहा था और उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो यहां पे जो सूट फाइल होगा प्लेंटिफ के द्वारा वो कंपनी को भी हो सकता है और उस पर्टिकुलर पर्सन को भी हो सकता है हु वॉज ड्राइविंग द व्हीकल नेग्लिजेंटली। In India, vicarious liability in tort refers to a legal concept. क्या है? ये एक legal concept है, in which an individual or entity is held responsible for tortious act committed by its subordinate. तो vicarious liability केवल यही कहता है कि whatever being done by servant being done by subordinate during the course of employment superior will be held liable। इसलिए इस concept को, इस principle को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं which is known as respondeat superior। यानी left the superior liable for the act done by subordinate during the course of employment। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है क्वी फसिट पर एलियम फसिट पर से विच मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। यानी एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के डायरेक्शन के बेसिस पर एक्ट कर रहा था तो लाइबल कौन होगा? वो पर्सन लाइबल होगा जो कि डायरेक्शन दे रहा था, हु हैज अथॉरिटी, हु हैज कंट्रोल ओवर दैट पर्सन। एग्जाम्पल के लिए, निशा owner of a car asked her friend Saurav to take her car and drive the same
टू हर ऑफिस। निशा जो कि कार की ओनर है वो अपने दोस्त सौरभ से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कार से उसे उसके ऑफिस तक छोड़ दो। एज द कार वॉज नियर हर ऑफिस, जो कार था वो उसके ऑफिस पर पहुंचने ही वाला था कि पैदल चलता हुआ आदमी जिसका नाम श्रीकांत था उसे चोट लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है उस कार से बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ सौरभ। तो यहां पे जो श्रीकांत है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो सूट फाइल कर सकता है टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम दैट कार ओनर। तो ये है क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से का कॉन्सेप्ट। क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से इज अ लैटिन लीगल टर्म व्हिच डिनोट्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर। यहां पे कौन किसके अंडर एक्ट कर रहा था, तो सौरभ वॉज ड्राइविंग द कार अंडर द अथॉरिटी, अंडर द कंट्रोल ऑफ निशा। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ, इट इज अ मैक्सिम ऑफन स्टेटेड इन डिस्कसिंग द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। इट इज अ फंडामेंटल लीगल मैक्सिम ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। तो ये लॉ ऑफ एजेंसी का एक फंडामेंटल लीगल मैक्सिम है। फर्दर, इफ इन नेचर ऑफ थिंग्स द मास्टर इज ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज बाय एम्प्लॉइंग सर्वेंट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट इन द सेम वे दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है वो सिंपल यही कहता है, एक पर्सन जो कि एम्प्लॉयर है, जो कि सुपीरियर है, जो दूसरे पर्सन को अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उस एम्प्लॉय के सभी एक्ट्स के लिए वो पर्सन लाइबल है। और वो पर्सन कोई एक्ट करता है तो माना जाएगा कि उस एक्ट को इनडायरेक्टली किसने किया है, एम्प्लॉयर ने किया है, राइट। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से इस लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसमें हमें तीन रिलेशनशिप को पढ़ना होता है। पहला प्रिंसिपल एंड एजेंट, दूसरा मास्टर एंड सर्वेंट, तीसरा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आइए एक एक करके समझते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट इज द पर्सन हु एक्ट्स थ्रू अनदर, who represents another person, who represents interest of another person is known as agent. So yahan pe kya hai, principal is liable vicariously because of the principal agent relationship between two. In such a case the plaintiff has choice either to sue the principal or agent or both. To jahan kahin bhi प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वहां पे जो प्लेंटिफ है उसके पास चॉइस होता है कि वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, या एजेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, या दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए He is a principal और ये अपने एजेंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और मिस्टर सी से 100,000 रुपए का चेक रिसीव कर लो। बी इज एजेंट और बी क्या करता है सी से ये कहते हुए कि ही इज एजेंट ऑफ ए, सी से 100,000 रुपए का चेक रिसीव कर लेता है। सी फुल फेथ में क्या करता है, चेक को दे देता है। एंड सी वॉज ऑल्सो नोइंग दैट बी इज एजेंट ऑफ ए,
अब बी क्या करता है, इस चेक को लेकर के फरार हो जाता है। तो यहां पे देर इज ऑप्शन अवेलेबल टू सी, सी चाहे तो डायरेक्ट ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ठीक है, दूसरा क्या है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। Partners and partnership firm, when the wrongful act is done by one person in ordinary course of business of the firm, all other persons are vicariously liable for the same. देखो, partnership firm में basically unlimited liability का concept चलता है, और यहाँ पे जो existence है partnership firm का वो क्या है, separate existence नहीं है like that of company. तो कोई एक person जो कि partner है वो कोई act करता है during the course of employment, तो उस particular act के वजह से अगर firm को नुकसान हो रहा है तो उसके उस act के लिए सभी persons बराबर liable होंगे. Every partner is the owner as well as agent of the firm and agent of other partner. तो पार्टनरशिप फॉर्म में बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल की तरह भी एक्ट करते हैं. तो एक्ट ऑफ वन पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, और उस एक्ट के वजह से किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का लॉस होता है, डैमेज होता है, तो सभी पार्टनर्स क्या होंगे, लाइबल होंगे. एग्जाम्पल के लिए ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, ए ने किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, और उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच किया, तो सभी पार्टनर्स क्या होंगे, लाइबल होंगे, सभी के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है. तीसरा है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप. ठीक है, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप के केस में हमें दो एसेंशियल्स देखना होता है. पहला, टॉर्ट वॉज कमिटेड बाई सर्वेंट अंडर करंट एम्प्लॉयमेंट, यानी सर्वेंट किसके एम्प्लॉयमेंट में है, हु इज हिज मास्टर, करेंटली वो किसका सर्वेंट है. दूसरा, that act that tort must be committed in course of his employment, right. अब जैसे मास्टर ने अपने सर्वेंट को व्हीकल दिया ये कहते हुए कि तुम जाओ और बाजार से सब्जियां खरीद लाओ, अब सर्वेंट क्या कर रहा है, उस व्हीकल को लेकर के लॉन्ग ड्राइव पर निकल जा रहा है फॉर हिज पर्सनल फन, फॉर हिज पर्सनल एंटरटेनमेंट. तो यहां पे अगर उसके उस एक्ट के वजह से किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का लॉस होता है, इंजरी होता है, कहीं वो एक्सीडेंट कर देता है, तो लाइबल कौन होगा, यहां पे लाइबल मास्टर नहीं होगा बल्कि कौन होगा, सर्वेंट खुद होगा. ठीक है, अब एक केस है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी. इसमें क्या था, The respondent Mrs. Shyama Devi opened a saving bank account in SBI. SBI में अपना एक अकाउंट खोली रहती है. Respondent gave some cash. Shyama Devi कुछ कैश देती हैं और चेक देती हैं किसको, कपिल देव को, who was friend of respondent's husband, जो कि श्यामा देवी के पति का फ्रेंड रहता है, जो कि उसी बैंक में एम्प्लॉयड रहता है, उसी बैंक का एक एम्प्लॉय रहता है. अब श्यामा देवी इस होप से इस ट्रस्ट में क्या करती हैं, उसे पैसे डिपॉजिट करने के लिए दे देती हैं. द सेट पेमेंट वर मेड टू कपिल देव शुक्ला
in his capacity as respondent's husband friend. No receipt or voucher was obtained indicating the said deposit. अब जो कपिल देव है वो रेस्पोंडेंट को यानी श्यामा देवी को उस डिपॉजिटेड अमाउंट का कोई चेक कोई रिसीप्ट नहीं देता है. द बैंक सर्वेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिपॉजिट्स इन रेस्पोंडेंट अकाउंट गॉट द चेक इन कैश. अब ये जो कपिल देव है हु वॉज एम्प्लॉयड इन SBI बैंक वो इस कैश को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने के बजाय क्या करता है इन कैश करा लेता था क्योंकि वो वहां पे क्या था एम्प्लॉयड था. और उस अमाउंट को वो पर्सनली रखता था. तो यहां पे ये कहा गया कि क्योंकि उसने अपने पावर्स का मिसयूज किया है और जिस पर्पस के लिए उसे पैसे दिए जा रहे थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए श्यामा देवी के अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए वो उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर रहा था वो उन पैसों को पर्सनली इन कैश करा लेता था. तो यहाँ पे बैंक लाइबल नहीं है. हाँ अगर कपिल देव बैंक में डिपॉजिट किया रहता श्यामा देवी के अकाउंट में डिपॉजिट किया रहता और फिर भी अगर अमाउंट शो नहीं करता तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी होती बैंक की होती. ठीक है तो बेसिकली ये था केस जिसमें कब फॉर द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर लाइबल होगा उसे बखूबी एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है श्यामा देवी इस पर्टिकुलर केस में. नाउ हु इज सर्वेंट सर्वेंट कौन है समझो. सर्वेंट बेसिकली सर्वेंट बेसिकली एक पर्सन है एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर. एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के कंट्रोल दूसरे पर्सन के डायरेक्शन पर काम करता है वो सर्वेंट है. एज अ जनरल रूल अ मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉट ऑफ हिज सर्वेंट बट ही इज नॉट लाइबल फॉर टॉट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. अब ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है वो पर्सन जो खुद का मास्टर है जो अपने डायरेक्शंस को खुद एक्सरसाइज करता है अपने पावर्स को खुद एक्सरसाइज करता है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. इफ अ पर्सन इज यूजिंग हिज ओन पावर इज एक्सरसाइजिंग हिज ओन पावर्स तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है भले ही वो किसी पर्सन के अंडर में हो वो प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी में नहीं आएगा और उसके लिए जो उसका हेड है वो लाइबल नहीं होगा. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. पहला अगर जो एम्प्लॉयर है जिसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है उस एम्प्लॉयर ने उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई इलीगल काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था तो उसके लिए वो मास्टर वो एम्प्लॉयर भी लाइबल होगा. और दूसरा इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में मास्टर इज ऑल्सो लाइबल अलॉन्ग विथ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो ये था वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को समझेंगे. आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियोज़ को लाइक करिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. हम अब नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से डील करेंगे. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक थैंक यू हैव अ नाइस डे.